नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकर्स हब यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ऑलरेडी पांच मिनट हो चुका है क्योंकि पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन हो गया था कि एक बार देखो जल्दी से कल कल वाली क्लास में हो गया था कि ये क्वेश्चन हो गया है चलो तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं ये क्वेश्चन कल हो चुका है यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों चार मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं आप लोगों को जल्दी से बनाने की कोशिश करिए ये रिकॉर्डिंग है क्या साहिल जी नहीं लाइव चल रहा है पजल नहीं होगा अरे पजल ही तो अच्छा पजल नहीं है क्या ये ब्लड रिलेशन है चलो कोई नहीं पजल बना लेते हैं इसके बाद देख के पजल लग रहा था मुझे लगा पजल है कुछ लोग ये सोच के नहीं बना रहे हैं अरे नहीं सर पजल दो पजल बनाओगे पजल दोगे तो बनाएंगे नहीं दोगे तो नहीं बनाएंगे अरे ये भी आता है प्री में

फादर होंगे या मदर होगी तो यहां पर लिख देते हैं ऐसा आगे आपको क्या बोल रहा है is the niece of जो है वो है है वो की की तो की है अगर वी, मतलब ऐसा कुछ होगा वाई का कोई भाई बहन उसका बेटी जो होगी वो नीस कहलाएगी आगे आपको बोल रहा है वी इज नीस ऑफ वाई वाई सिस्टर ऑफ यू वाई जो है वो सिस्टर है यू की तो बोल सकते हैं यहां पर कि वाय जो है वो इसकी वाइफ हुई और सिस्टर ऑफ यू हुई ऐसा होगा अब देखो आपको पता है कि वाय जो है वाई की कोई एक सिस्टर है मतलब वाई किसी और की सिस्टर है तो उसकी बेटी भी हो सकती है तभी तो ये कहलाएगा नीस भाई इसकी बहन या भाई के बेटे बेटी को ही तो बोलेंगे ना नीस जेड एंड टी इज मैरिड कपल जेड और टी जो है वो मैरिड कपल है यहां लिख लेते हैं जेड और टी मैरिड कपल है यू इज नॉट फादर ऑफ वी यू जो है वो वी के फादर नहीं है फादर नहीं है तो ये मदर हो गई आगे आपको बोल रहा है वी हु इज द चाइल्ड ऑफ एक्स वी एक्स का चाइल्ड है तो एक्स का चाइल्ड है मतलब इसके फादर हो गए वी के फादर हो गए एक्स अब हो रहा है जेड इज द मदर इन लॉ ऑफ एस जेड इज द मदर इन लॉ ऑफ एस जेड जो है ये मदर इन लॉ है तो ये फादर इन लॉ हो जाएंगे एस के आगे बोल रहा है एस हु इज द हस्बैंड ऑफ वाई एस जो है वो हस्बैंड है वाई का तो एस यहां पर आ गया अब देखो एस के ये सास ससुर है तो एस के सास ससुर मतलब वाई के मम्मी पापा तो वाई के पापा और मम्मी यहां पर बना दोगे तो वाई के मम्मी और पापा हो जाएंगे जेड और टी उसके बाद क्या बोल रहा है यू एंड एक्स इज मैरिड कपल यू और एक्स जो है ये मैरिड कपल है तो ये तो हमको पहले से ही दिख रहा था तो चार तीन सात आठ और एक नौ ये आपका आंसर सभी का सेम आया है जिसने भी बनाया है कुछ लोग तो बनाए नहीं है चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए पांच मिनट हालांकि मैं बहुत ज्यादा समय लिख रहा हूं इतना समय दूंगा नहीं ठीक है यह सिर्फ आपके मन को खुश करने के लिए आत्मसंतुष्टि अच्छा पांच मिनट है ठीक बन जाएगा तो इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने ये पांच मिनट दिया है ठीक है Hmm. <laughs> कि हेल्थ कैसी हेल्थ अभी कल से भी तो बेटर है सर एक टॉपिक मेंस डीआई भी होता है कब से बोल रहे हैं स्टार्ट कीजिए मेंस डीआई आई शेंकी जी मैंने कुछ रीज़न बताया था अच्छा अच्छा सॉरी आप लोगों को नहीं बताया था वो देखिए मेंस डी जो है दोस्तों कंटेंट मेरे पास अभी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है पुराना कंटेंट पुर, पड़ा हुआ है जितना भी है नया कंटेंट जैसे ही आएगा मैं स्टार्ट कर दूंगा चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में नाइन बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबाउट द अदर ऑन द सेम स्टैक एक ही स्टैक में नौ बॉक्सेस रखे गए हैं ईच बॉक्स इज फिल्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ सब में अलग अलग टाइप के क्लोथ रखे हुए हैं बट नॉट ने सेम ऑर्डर द लोअर मोस्ट इज वन इमीडिएट अबाउट इट्स टू एंड सो ऑन तो टोटल यहां पर ऐसे नौ बॉक्सेस हैं नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक अब बोल रहा है यहां पर ग्लव्स वॉर प्लेस्ड एट द बॉक्स नंबर सिक्स ग्लव्स वॉज प्लेस्ड एट द बॉक्स नंबर सिक्स तो बॉक्स नंबर सिक्स में ग्लव्स है

सूट और स्वेटर के बीच में कितने हैं सिर्फ चार बॉक्सेस हैं ओनली फोर बॉक्सेस तो सूट से नीचे तो चार दिख नहीं रहे तो सूट से एक दो तीन चार यहां पर हो जाएगा स्वेटर यहां पर देखो सूट से एक दो तीन चार छोड़कर स्वेटर हो जाएगा यहां पर अब आगे बोल रहे द नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड अबाउ स्वेटर इज द सेम एज नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड बिलो बूट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें बनता है पेयर ऐसी कंडीशन आपको कभी भी दिखे द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड एबो स्वेटर इज द सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बूट्स तो स्वेटर और बूट्स का पेयर बनेगा अब पेयर होता क्या है देखो जैसे यहां नौ बॉक्सेस दिख रहे हैं ना तो टोटल सम टेन आना चाहिए मतलब ये देखो नौ और एक दस हो गया आठ और दो दस हो गया सात और तीन दस हो गया छह और चार दस हो गया पांच और पांच दस हो गया तो ये पेयर बन रहे हैं सारे अब पेयर बनना किसका था स्वेटर और बूट्स का तो अगर स्वेटर आपको यहां पर दिख रहा है तो ये देखो इस पेयर के दूसरे एंड पे यहां पर बूट्स को रख दो इधर अगर स्वेटर इस वाले में है तो इस पेयर के दूसरे एंड पे बूट्स को यहां पर रख दो आगे आपको क्या बोल रहा है जैकेट वाज प्लेस्ड टू बॉक्सेस अबव द बॉक्स विद बूट्स जैकेट वाज प्लेस्ड टू बॉक्सेस अबव द बॉक्स विद बूट्स तो जैकेट जो है इससे दो बॉक्सेस ऊपर है मतलब एक छोड़कर यहां पर हो जाएगा जैकेट यहां पर बूट से एक छोड़कर यहां हो जाएगा जैकेट आगे और क्या बोल रहा है शर्ट वॉज अ कंपोजिट नंबर बॉक्स कंपोजिट नंबर क्या होता है जो प्राइम नहीं होता जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट नंबर होता है ठीक है तो यहां पर बोल रहा है कि शर्ट वॉज अ कंपोजिट नंबर बॉक्स तो कंपोजिट नंबर देखो वन तो कंपोजिट नंबर नहीं होता प्राइम भी नहीं होता टू जो है वो प्राइम होता है पांच जो है वो भी प्राइम होता है मतलब सिर्फ हमारे पास फोर बचा हुआ है जो कंपोजिट नंबर है तो यहां पर आ जाएगा शर्ट इस वाले में देखो भाई तो इस वाले में सात प्राइम होता है पांच प्राइम होता है दो प्राइम होता है आठ जो है प्राइम नहीं होता तो शर्ट आ जाएगा यहां पर आगे बोल रहा है कैप वॉज प्लेस्ड एबो बेल्ट एंड बिलो जींस कैप वॉज प्लेस्ड एबव बेल्ट एंड बिलो जीन्स जीन्स के नीचे है ऑफ दीज थ्री इज एडजेंड टू ईच अदर ये तीन ही एक दूसरे के आसपास नहीं है तो जीन्स कैप बेल्ट रखना है जीन्स कैप बेल्ट हो जाएगा ये आपका आंसर सही है चेक कर लीजिए जल्दी से पहले वाले में क्या गलत हो रहा है पहले वाले में कैप और बेल्ट साथ में आ जाएगा जबकि आपको बोल रहा है नीदर ऑफ दीज थ्री इज एडज टू ईच अदर तो ये आपका आंसर बन गया ठीक है स्वेटर शर्ट जींस ग्लव कैप सूट स्वेटर शर्ट जींस ग्लव कैप सूट जैकेट बेल्ट बूट्स जैकेट बेल्ट बूट्स बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए चार मिनट का समय है डन के मैसेज तो आ रहे हैं कुछ लोगों के थ्रेड मेथड थोड़ा और भी वे में बताना ठीक है स्पेशल क्लास मेंस वाली नहीं लग पाई एक्चुअली वो क्लास पहले से लगानी होती है और मैं आज लगाना भूल गया क्लास तो इसलिए फिर मैंने ये वाली क्लास ले ली चलिए काफी लोगों के डन के मैसेज तो आ रहे हैं स्टार्ट करना चाहिए देखिये क्या बोल रहा है यहां पर आपको बोल रहा है टेन पर्सन एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर ने कंजिक्यूटिव अल्फाटिकल इन नॉट सिटिंग इसमें दोस्तों आपको बोला है एक सर्कल पे दस लोग बैठे हुए हैं ठीक है थीके? अब सर्कल पे दस लोग बैठे हुए हैं तो इस सर्कल को हम क्या कर सकते हैं मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं यहाँ कुछ दिख नहीं रहा मुझे जैसे ये सर्कल ये सर्कल है ठीक है तो इसको ऐसे करके ओपन कर दो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है आपको करना क्या होता है आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाओ दस लोग बोला है ना सर्कल में बैठे आप मान लो कि ये सर्कल है आप इसको ऐसा इमेजिन कर लो कि ये ऐसा मोड़ दोगे आप बाद में तो सर्कल बन जाएगा तो यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और ये दस दस पर्सन यहां पर बना लो अब करना क्या है भाई इधर आओगे तो इसके इधर कुछ नहीं है तो ये आ गया क्योंकि सर्कल है ना तो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि ये ऐसे करके पूरा सर्कल है ये ऐसा सर्कल है ये भाई इसको ऐसे इधर मोड़ोगे तो भी सर्कल बन जाएगा ऊपर मोड़ोगे तो भी सर्कल बन जाएगा ठीक है तो बस ये चीज़ को इमेजिन करना होता है इमेजिनेशन का खेल है पूरा थ्रेड मेथड अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज़ को कि कैसे सर्कल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन दिख सकता है तो बस आपके लिए थ्रेड बहुत आसान है अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एफ एम और एफ के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं F सेट second to राइट right ऑफ़ N F जो है वो सेकंड टू राइट में है N से The number of persons sit between F and M is same as the number of persons sit between N and L बोल रहा है F और M के बीच में उतने ही लोग हैं जितने N और L के बीच में होंगे तो भाई सिंपल सी बात है F और M के बीच में अगर दो लोग हैं तो N और L के बीच में भी दो होंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी इसको हटा देता हूं मैं अरे ये क्या हो गया अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ जब हम एफ के राइट right से काउंट करेंगे तब तब ये, चीज़ बराबर तो के right से तब ये दो लोग होने चाहिए ठीक है, जो है, वो में है K से, K से में है आगे, आगे आपको बोल रहा है के एंड एम आर नॉट इमीडिएट नेबर्स के और एम जो इमीडिएट के बगल में ऐसे के नहीं आना चाहिए जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जे जी जो है वो थर्ड टू राइट में है जे से फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गया जे एंड एन आर नॉट इमीडिएट नेबर्स जे और एन जो है ये नेबर नहीं है तो जे के बगल में एन नहीं आना चाहिए आई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच आई जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है एच से एच एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर एच और ओ जो है ये इमीडिएट नेबर नहीं है अब देखो दोस्तों ध्यान से ये वाली कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं एन से एक छोड़कर एफ कहीं पर भी रख सकते हो आपकी चॉइस है तो एन को अगर मान लो मैंने मैंने यहां पर रख दिया दिया डायरेक्शन ऊपर का ऐसे दे टू राइट right में F रखना है फर्स्ट ये F हो गया अब देखो एफ से दो छोड़कर एम चाहिए आपको एफ से दो छोड़कर एम चाहिए तो एफ से दो छोड़कर एम को यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि एम और एन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में साथ में हो जाएंगे जो कि हमको मना किया है इसलिए एफ से दो छोड़कर एम यहां पर हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन हो गई ये वाली कंडीशन हो गई अब देखो एन से दो छोड़कर एल चाहिए तो एन से दो छोड़कर एल यहां पर भी हो सकता है एन से दो छोड़कर एल यहां पर भी हो सकता है ये कंडीशन भी हो गई उसके बाद एल जी जी एन के बगल में जे नहीं होना चाहिए लेकिन जे से दो छोड़कर जी होना चाहिए एन के बगल में जे नहीं होना चाहिए लेकिन जे से दो छोड़कर जी होना चाहिए ठीक है तीके? अगर मैं यहां पर रखता हूं जे को तो दो छोड़कर जी नहीं हो पाएगा अगर मैं रखता हूं एन को यहां पर जे को यहां पर ऐसा ठीक है अगर मैं जे को यहां रखता हूं मैं अलग कलर से लिख देता हूं इसको जे को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो क्या हो जाएगा जे से राइट में दो छोड़कर जी तो यहां पर हो गया जी अब देखो आपके पास क्या बचा है के से एक छोड़कर ओ रखना है आपको के से एक छोड़कर ओ रखना है तो अब देखो जे जो है के से एक छोड़कर ओ रखना है ध्यान से देखो अगर मैं यहां पर के रखता हूं और यहां पर ओ रखता हूं तो एच से एक छोड़कर आई मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा एच से एक छोड़कर आई बट अब देखो एच के बगल में ओ नहीं होना चाहिए यहां देखो ये यह एच है इसके इधर कुछ नहीं है मतलब ओ है तो ये तो गलत हो जाएगा अगर ये गलत हो जाएगा मतलब मैं बोल सकता हूं कि ओ और के को यहां ना रखकर हम ऐसा रख सकते हैं कि के और ओ को यहां पर रख दो और एच और आई को यहां पर रख दो ये भी गलत हो रहा है क्योंकि एच आई जे पूरे के पूरे सब साथ में हो गए गलत हो गया कंडीशन अगर कंडीशन गलत हो गई मतलब हम बोल सकते हैं कि जो जे था वो यहां पर नहीं आएगा ये गलत हो रहा है अब ये जो जे और जी को रखे थे ना हम इसको चेंज करते हैं और आगे चेक करेंगे अब देखो जे को यहां एन के बगल में रख नहीं सकते जे को यहां नहीं रख सकते यहां एफ हो गया यहां पर जे को रखोगे तो जे से दो छोड़कर जी यहां पर हो जाएगा हो जाएगा अब लेकिन आप ये वाली कंडीशन नहीं बना पाओगे कौन सी एच से आई और के से ओ नहीं रख पाओगे कोई जगह ही नहीं दिख रही यहां पर यह भी गलत हो जाएगा एफ और जी साथ में रख दिया था क्या पिछली बार <laughs> ध्यान नहीं दिया होगा ध्यान नहीं दिया होगा ठीक है गलत है यह भी गलत हो गया और देखते हैं आगे अब अगर मैं जे को यहां पर रखता हूं तो एक दो छोड़कर जी यहां पर हो जाएगा अब अगर जी यहां पर आ गया तो एल तो यहां आ नहीं सकता तो एल यहां पर रखना पड़ेगा ठीक और क्या बचा यार अब के से एक छोड़कर ओ रखना है और एच से एक छोड़कर आई रखना है और एच तो नहीं हो सकते ठीक है एच से आई को यहां पर रखो एच आई और के से एक छोड़कर ओ को यहां रखो अब चेक करो तो दोस्तों एक बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर गलत तो नहीं हो रहा है एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ सही है अब सही है परफेक्ट है एकदम आंसर ठीक है चलो आंसर चेक करते हैं जी के आई एन एच जी के आई एन एच एफ एल जे ओ एफ एल जे ओ बिल्कुल सही है परफेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं चलिए इसको बनाइए दोस्तों पांच मिनट का समय है मेन्स की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कैसे करें विशाल जी देखो मेन्स के लिए आपको पज़ल पे ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग में अगर आप पज़ल पूरी अच्छे से बना रहे हो तो बाकी चीज़ें आपसे बन ही जाएंगी बाकी की चीज़ें मुश्किल से पंद्रह बीस दिन का आ, बात है रीजनिंग ऐसी चीज़ है जिसका मेन्स आप पंद्रह से बीस दिन में कर लोगे बाकी चीज़ों को अदर देन पजल्स प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है बस मैथ्स के लिए डी आई पे ज़्यादा फोकस करना है अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ने का मन करता है तो अर्थमेटिक बेस्ड डी आई बनाओ जितने ज़्यादा डी आई की प्रैक्टिस करोगे हाई लेवल के डी आई बनाओगे उतना अच्छा आपका मैथ्स में नंबर आएगा तो मैथ्स और रीजनिंग तो मैंने बता दिया इंग्लिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए और जीके के लिए रेगुलर बेसिस पे जीके पढ़िए बस यही चीज़ें तो करनी है चारों सब्जेक्ट में चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं सॉल्व हो गया होगा बनाते हैं इसको <coughs> कुछ लोग डन तो लिख रहे हैं फोर्टीन प्लेयर्स ई टू के एंड टी टू जेड आर सिटिंग इन अ रो एक रो पे टोटल चौदह लोग बैठे हुए हैं तो ई e से लेकर के तक ई e से लेकर के तक और टी से लेकर जेड तक आर सिटिंग इन अ रो बट नॉट द सेम ऑर्डर चलो से बनाते हैं। चौदह लोग बैठे हुए एक लाइन पे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह अब बोला देर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एच इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड एच जो है वो किसी एक एंड पे मान लेते हैं लेफ्ट एंड पे है अब उसके बाद क्या बोल रहा है आपको थ्री प्लेयर्स आर सिटिंग बिटवीन एच एंड जेड थ्री प्लेयर्स आर सिटिंग बिटवीन एच एंड जेड एच से तीन छोड़कर जेड यहां पर हो जाएगा फाइव प्लेयर्स आर सिटिंग बिटवीन यू एंड जेड यू और जेड के बीच में पांच लोग बैठे तो जेड से इधर तो सिर्फ चार है तो जेड से एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां पर यू हो जाएगा टू प्लेयर आर सिटिंग बिटवीन यू एंड जे यू और जे के बीच में दो लोग हैं तो यू से दो छोड़कर जे यहां पर भी हो सकता है यू से दो छोड़कर जे यहां पर भी हो सकता है सिटिंग फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ जे आई जो है वो फोर्थ टू लेफ्ट में है जे से अब अगर जे यहां पर लोगे तो फोर्थ टू लेफ्ट यहां पर आ जाएगा जे यहां पर लोगे तो वन टू थ्री फोर यहां पर आ जाएगा ठीक है आगे बोल रहा है फाइव प्लेयर्स आर सिटिंग बिटवीन आई एंड के आई और के बीच में पांच लोग बैठे हैं. तो आई से एक दो तीन चार पांच अगर आई यहां रखोगे तो यहां पर आ जाएगा के और इस वाले आई को अगर रखोगे तो आई से एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां आ जाएगा के ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ प्लेयर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ के इज थ्री लेस देन द नंबर ऑफ प्लेयर सिटिंग टू द राइट ऑफ टी भाई के के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तो आठ जो है वो तीन कम है तो टी के राइट में कितने होने चाहिए ग्यारह होने चाहिए तो टी यहां रखना पड़ेगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह यहां रखना पड़ेगा तो टी जो है वो यहां रखना पड़ेगा अगर के यहां लेते हो तो ये देखो ये चारों चीजें ये एक साथ है अगर के को यहां लेते हैं तो के के लेफ्ट में तीन लोग हैं के, के लेफ्ट में तीन लोग हैं जो कि तीन कम है यानी कि टी के राइट में छह लोग लेने पड़ेंगे एक दो तीन चार पांच छह यहां पर आ जाएगा टी ये वाली जगह पे आ जाएगा टी ठीक है अब उसके बाद आगे देखो क्या बोल रहा है थ्री प्लेयर्स आर सिटिंग बिटवीन टी एंड वाई अब टी और वाई के बीच में तीन लोग हैं भाई यहां टी रखे हो तो एक दो तीन छोड़कर ये वाई हो जाएगा यहां टी रखे हो तो तीन छोड़कर वाई इधर भी हो सकता है के की जगह पे पॉसिबल नहीं है तो टी से एक दो तीन छोड़कर वाई यहीं पर होगा फिक्स है एकदम यार ये अच्छा मेथड है जो मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ मैं ऐसा मेथड मुझे अच्छा लगा ऐसे बनाऊंगा मैं आपसे अगली बार से आगे बोला एक्स इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम वाई एक्स जो है वो थर्ड है वाई से एक्स जो है वो थर्ड है वाई से तो वाई से अगर यहाँ देखोगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इधर तो हो नहीं सकता वाई से फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पर हो जाएगा एक्स और इस वाले में क्या हो जाएगा भाई Y से थर्ड में मतलब कि Y से उस तरफ तो हो नहीं सकता तो Y से फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पर हो जाएगा X आगे एक और क्या बोल रहा है W इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G W जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है G से W जो है वो G से इमीडिएट लेफ्ट में है G इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड G जो है ये एंड पे नहीं बैठता v sitting third to left of w v जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है w से e sitting adjacent to y e जो है वो y के एडजसेंट है इस वाले में तो e यहीं पर रखना पड़ेगा उस वाले में एडजसेंट के लिए दो जगह दिख रही है f is not sitting right of j f जो है राइट में नहीं है j के मतलब j के लेफ्ट साइड में होगा f अब देखो दोनों में से किसी एक एक पॉसिबिलिटी को चेक करके देख लेते हैं जैसे मान लो मैंने ये वाली कंडीशन को पहले चेक कर लिया तो टी यहां जे यहा e यहां, 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 यहां अब देखो ई e जो है वो वाई का नेबर है डब्ल्यू से दो छोड़कर वी आप रख पाओगे क्या यहां पर देखो डब्ल्यू से दो छोड़कर वी आ पाएगा कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह दिख रही है जहां पर डब्ल्यू से दो छोड़कर वाई आप रख सको डब्ल्यू से दो छोड़कर वी आप रख सको नहीं है पॉसिबल मतलब गलत हो गया ये कंडीशन गलत हो गई हमारी अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो ये वाली कंडीशन हमारी सही हो जाएगी देखो के यहां पर आ गया टी यहां पर आ गया एक्स यहां पर आ गया आई यहां पर आ गया वाई यहां पर आ गया जे यहां पर आ गया अब देखो आपको पता है जी के जस्ट लेफ्ट में डब्ल्यू है और डब्ल्यू से दो छोड़कर वी है तो हम यहां पर बोल सकते हैं भाई जी के जस्ट लेफ्ट में डब्ल्यू है और डब्ल्यू से दो छोड़कर वी है एफ जो है वो जे से लेफ्ट की तरफ में तो एफ जो है वो जे से लेफ्ट की तरफ में ये आपका अरे जे तो इधर आ चुका था यार तो बचा क्या है हमारे पास ई e जो है वाई के नेबर में है ई e जो है वाई के नेबर में है और यहां पर आ जाएगा एफ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है मैथड अच्छा लगा यार मुझे फर्स्ट टाइम यूज किया अच्छा लगा क्या आप लोगों को आ, अच्छा लगा तो यस लिख दो नहीं अच्छा लगा नो लिख दो मुझे तो पर्सनली पसंद आया इस पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस मेथड को और हम क्या कर सकते हैं कुछ इसमें चेंजेस करके इसको अच्छा बना सकते हैं क्या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा <coughs> जाला कुछ लोगों नो लिख रहे हैं देखना आज, आज से कुछ समय के बाद जब मैं इस पर कुछ बढ़िया वाली ट्रिक बना दूंगा ना तब तो समझ में आएगा अरे काश उस समय मान लिए रहते ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही कुछ ब, बड़े बड़े खोज हो जाती है चलो आगे चलते हैं एच एफ वी के जेड डब्ल्यू जी एच एफ वी के जेड डब्ल्यू जी टी एक्स आई यू वाई ई जे टी एक्स आई यू वाई ई जे ठीक है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए पांच मिनट का समय है मल्टीपल पॉसिबिलिटी में ये काम नहीं आएगा सनी जी देखो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जो होती है ना वो एलिमिनेट होते ही जाती है अगर आप इस तरीके से करते जाओगे ना कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो ही जाएगी कंडीशन सर थोड़ा आराम से समझाया करो सुरेंद्र जी ठीक है मैं कोशिश करूंगा और आराम से समझाने की अभी एस का कौन सा पेपर होने वाला है एस एस है कि एस एस है या कुछ और है क्लास देखने से आंखें दर्द कर रही है ऐसा कैसे हो सकता है एक आध मूवी देख के देखो अगर उसके बाद भी दर्द हो रहा होगा तो फिर डॉक्टर को दिखाओ और उसके बाद दर्द नहीं हो रहा होगा तो वापस क्लास में आ जाना रिश्तेदार क्रिटिसाइज़ करते हैं क्या करो देखो इस चीज़ में तो कुछ नहीं कर सकते उनकी तो आदत ही ख़राब होती है हो गया क्या सॉल्व कैसे कर दे रहे हो यार <coughs> चलो स्टार्ट करते हैं देखो क्या बोल रहा है टेन पर्सन एफ जी एच आई जे के एल एम एन आर लिविंग इन द फाइव फ्लोर बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर दिया हुआ ईच फ्लोर हैज टू फ्लैट फ्लैट ए एंड फ्लैट बी फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी फ्लैट ए ऑफ फ्लोर टू इज इमीडिएटली अब फ्लैट ए ऑफ फ्लोर वन एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट ए ऑफ फ्लोर थी फलाना 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 इसको बनाना है कुछ इस प्रकार से पांच चार तीन दो एक ए B. अब देखो क्या बोल रहा है एन lives टू फ्लोर बिलो ओ who lives इन द सेम फ्लैट ऑफ जे एन lives टू फ्लोर बिलो ओ एन जो है वो दो फ्लोर बिलो रहता है ओ से ओ जो है सेम फ्लैट ऑफ जे मतलब ओ और जे जो है वो दोनों सेम फ्लैट में है नंबर ऑफ फ्लोर अबो ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो जे O और जे का पेयर भी बन रहा है अच्छा ये तो मैं कल ही करवाया था प्लस क्लास में हुआ था ये क्वेश्चन कल प्लस में हुआ था या इस पे हाँ प्लस में हुआ था शाम जे लिव्स इमीडिएटली साउथ वेस्ट फ्लैट ऑफ एफ जे जो है इमीडिएट साउथ वेस्ट में है एफ से द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एफ एंड ओ सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड एच जे और एच के बीच में जितने फ्लोर होंगे उतने ही एफ और ओ के बीच में होंगे जे एंड एच डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट जे और एच जो है दोनों के दोनों सेम फ्लैट में नहीं रहतेम फ्लैट बोला है ना मतलब J बोल सकते हैं, इस आएगा, F इस आएगा और अगर यहां पर बोल दिया जे एंड एच डॉट लिव इन द सेम फ्लैट मतलब जे के साथ एच नहीं रहता तो एच यहां पर आ जाएगा आ चुका था के लिव इमीडिएटली अब फ्लैट ऑफ जी के जो है वो जी के फ्लैट के इमीडिएट ऊपर फ्लैट में रहता है फ्लैट के इमीडिएट ऊपर मतलब फ्लैट सेम होगा दोनों का द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन के एंड एफ इज वन मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड एम हु लिव बिलो एन एम हु लिव बिलो एन एम जो है एन के नीचे रहता है और क्या बोल रहा है आपको द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन के एंड एफ इज वन मोर के और एफ के बीच में जो जितने भी फ्लोर होंगे वो एक ज्यादा होगा किससे नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जे एंड एम जे और एम के बीच में जितने भी फ्लोर हैं उससे एक फ्लोर ज्यादा होगा के और एफ के बीच में जे एंड एम डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर जे और एम जो है दोनों के दोनों साथ में नहीं रहते हैं आई लिवस द फ्लोर एब एल आई जो है वो एल के ऊपर रहता है बट डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ ओ लेकिन आई और ओ दोनों फ्लोर का इनका सेम नहीं होगा चलो स्टार्ट करते हैं ओ और जे का पेयर है ठीक है ओ और जे का पेयर है ध्यान से सुनिएगा अगर मैं ओ को मानता हूं जे, जे तो इसी तरफ आने वाला है जे तो इसी तरफ आने वाला है ये तो फिक्स है एकदम अगर मैं ओ को यहां लेता हूं तो जे यहां पर आ जाएगा ये पेयर है ऐसा ये पेयर होता है और ये पेयर होता है अगर मैं ओ को यहां लूंगा जे यहां आएगा इस तरफ जे नहीं जा सकता ना ओ इस तरफ हो सकता है तो वो बाद में चेक करेंगे। अब ओ से एक छोड़कर एन रखना है ओ से एक तो भाई एम हमको कहां पर चाहिए F और के बीच में देखो कितने फ्लोर है एफ और ओ के बीच में दो फ्लोर दिख रहे तो जे और एच के बीच में भी दो फ्लोर होने चाहिए मतलब तो जे से दो छोड़कर एच यहां पर इस वाले में आना चाहिए तो ये देखो एच तो इसी तरफ में है तो ये फिक्स हो गया एच इधर आएगा अब देखो जी के जस्ट ऊपर के रखना है कहां रखोगे भाई जी के जस्ट ऊपर के दो जगह नहीं दिख रही ये अकेला ये अकेला 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 नहीं है दो जगह साथ में नहीं है ये गलत हो गया अगर ये गलत हो गया मैं ओ को अगर इस तरफ कर दूं तो अगर मैं ओ को इस तरफ कर दूं तो बाकी चीजें तो सेम ही रहेंगी अब जी के ऊपर के रखना है जी के ऊपर के यहां पर रख सकते हो क्या चेक करके देखते हैं के और एफ के बीच में दो तो जे और एम के बीच में एक होना चाहिए गलत हो गया जैसे एक छोड़कर एम यहां पर रखोगे भाई हमको एन एन से से नीचे नीचे चाहिए था ये देखो से नीचे गलत हो गया मतलब ओ को टॉप पे आप नहीं ले सकते अगर ओ को टॉप पे नहीं ले सकते अब क्या करेंगे ओ को लेंगे हम सेकेंड टॉप पे यहां पर ठीक है ओ से एक छोड़कर एन चाहिए O से एक छोड़कर ये एन हो गया ओ और जे का पेयर है तो ये देखो जे आ जाएगा यहां पर तो ये तो गलत है भाई को को इधर रखना चाहिए N को उधर, क्योंकि J इस तरफ है है फिक्स है. तो जे और एन को पलट दो N को यहां कर दो जे को यहां कर दो ठीक है अब देखो हमको पता है एन के नीचे एम रखना है एन के नीचे एम रखना है ठीक है और जे से एफ ऐसे रखना है तो जे से ये एफ हो गया अब देखो दोस्तों जी के ऊपर के रखने के लिए दो जगह आपको सिर्फ यहीं पर दिख रही है जी के ऊपर के रखने के लिए तो ये देखो एच रखने के लिए अब यहाँ पर सिर्फ यही वाली जगह है एन के नीचे एम रखने के लिए सिर्फ यही वाली जगह है एल के ऊपर आई रखना है एल के ऊपर आई एक बार चेक करो क्या ये सही है सही है ना ओ एल जे एम ओ एल जे एम के जी एफ एन एच के जी एफ एन एच बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट चार मिनट का समय दे रहा हूं दोस्तों इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करिए डन के मैसेज आ रहे हैं काफी सारे लोगों के चलिए स्टार्ट करते हैं <coughs> देखिए क्या बोल रहा है यहां पर क्वेश्चन में सिक्स पर्सन यू वीड्ल्यू एक्स माइ जेड आर सिटिंग ट्रेंगुलर टेबल इन सच अवेद थ्री ऑफ देम आर सिटिंग एट द मिडिल ऑफ ईच साइड तो छह पर्सन बैठे हुए हैं ट्राइंगल में ट्राइंगल को ओपन कर दो ये देखो ये ऐसा ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को ऐसे ओपन कर दो तो स्ट्रेट लाइन एक दिखेगी छह लोग बना लो एक दो तीन चार पाँच छ अब यहां पर आपको क्या बोल रहे हैं इन सच अ वे दैट ऑफ देम आर सिटिंग एट थ्री ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर मिडिलेसिंग इन साइड कॉर्नर वाले जो हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और मिडिल ऑफ द साइड में जो बैठे हैं वो आउट साइड फेस कर रहे हैं Z sits to right of v. Z जो है वो v के टू राइट right में कहीं पर भी बना लो वी के सेकेंड टू राइट में जेड अब आपको पता है कॉर्नर वाला अंदर देख रहा है मिडिल वाला बाहर देख रहा है मतलब एक अंदर देखेगा तो एक बाहर देखेगा अल्टरनेट डायरेक्शन एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे देखेगा एक ऊपर देखेगा एक नीचे देखेगा फिर एक ऊपर देखेगा एक नीचे देखेगा आगे बोलो एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड एक्स जो है वो जेड का इमीडिएट नेबर है तो यहां पर देखो दोस्तों X का Z, X को Z का नेबर बनाना है यहां पर भी रख लो वी और जेड एक्स जो है जेड का नेबर है एक बार एक्स को यहां रखो एक बार एक्स को यहां रखो एकदम बिगिनर्स के हिसाब से बता रहा हूं ठीक है वाई एंड डब्ल्यू आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन वाई और डब्ल्यू जो है वो दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं यू एंड वाई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन यू और वाई जो है ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं

y और w का ऑपोजिट डायरेक्शन है y नीचे देख रहा है w को यहां रखोगे तो w भी नीचे देखेगा तो भैया दोनों नीचे देख रहे हैं तो मतलब नीचे वाला गलत हो गया ना इस वाले में देखो y अगर नीचे देख रहा है तो ऊपर वाले में w रख दो यहां पर u को रख दो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया अच्छा इन साइड आउट कैसे बताएंगे इसमें तो इन साइड आउट बताने के लिए यह दिया हुआ है ना भैया आपको यू और वाई आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो अगर U नीचे देख रहा है Y भी नीचे देख रहा है मतलब नीचे आउटसाइड है ऊपर इनसाइड है जो भी नीचे फेस कर रहे हैं वो आउट फेस कर रहे हैं जो भी ऊपर फेस कर रहे हैं वो इन फेस कर रहे हैं इन वाले कॉर्नर थे यानी जो ऊपर देख रहे हैं वो कॉर्नर पे बैठे हैं आप चेक कर लेते हैं आंसर W Y V U Z X W Y V U Z X कॉर्नर पे कौन कौन है W V और Z W, V और Z सही है एकदम चलो इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय देता हूं दोस्तों ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है पांच मिनट से लेकर छह मिनट तक का एक मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं इसमें बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि दोस्तों बन जाए तो बता दीजिएगा अरे क्वेश्चन बनाओ ना भाई कैसे कर दे रहे हो टाइपिंग कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत माइक माइक कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है इक्कीस तारीख आज हो चुकी है बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस सिर्फ छः अट्ठाइस तारीख भी छ और सात सात दिन हैं अपने पास सात दिन अगर दो दो घंटे की भी क्लास लेते हैं तो भी कंप्लीट नहीं होगा <coughs> फिर कैसे करें अरे थोड़ा सब्र करो सॉल्व करने में मन नहीं लग रहा है चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर क्वेश्चन में 8% डी टू गे आर सिटिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर टेबल सच दैट 2% सिट ऑन ईच साइड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसल इन द सेम ऑर्डर ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर्स दैट इज ब्राउन फलाना फलाना जो भी दिया हुआ है तो रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और हर साइड में कितने लोग हैं दो लोग हैं टू पर्सन सीट ऑन ईच साइड ठीक है तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि ये जो आप अगर रे, रेक्टेंगल बनाते हो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये ऐसा बनता है ठीक है जब आप इसको थ्रेड में बनाते हो ना तो ये ऐसा बनेगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और इसमें क्या करना है ना एक एक साइड आप मान लो पहले से मान लो जैसे कि ये वाला एक साइड हो गया ये दूसरा साइड हो गया ये तीसरा साइड हो गया ये चौथा साइड हो गया तो अगर आपको इसमें पेयर बनाने ना पेयर मतलब ये आमने सामने जो है ये जैसे ये आमने सामने अगर आपको ये पेयर बनाना है तो कैसे करते हैं ये सेकंड वाले को छोड़ दो और ये पास पास pas वाले को ऐसे ऐड कर दो मतलब ये दोनों और फिर ये दूर दूर वाले को कर दो सेम चीज सेम चीज क्या करेंगे अब ये वाले को छोड़ेंगे इस वाले को छोड़ दो और इन दोनों का जो पास पास वाला है ये इन दोनों को मैच कर दो ऐसा और ये दूर दूर, दूर वाले को भी मैच कर दो ऐसा ये पेयर बन गया ये पेयर बन गया अब यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं <coughs> अब देखो यहां पर क्या कहना चाह रहे हो क्या हो गया यार चलो देखो इधर तो ये चीज हो गई अब यहां पर ध्यान से देखो आगे आपको क्या बोल रहा है बट बोथ आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम साइड बोल रहा है जो like है वो एडजेसेंट है मरून वाले के तो यहाँ पर लिख लेते हैं मरून के एडजेसेंट में है F. मरून सिट्स ऑन ऑन द द साइड साइड बट बोथ नॉट सिटिंग सेम दोनों के दोनों सेम साइड पर नहीं बैठते हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे के नेबर हैं ठीक है आगे आपको बोल मरून एफ like और एच वाला जो है ये मरून का नेबर नहीं होना चाहिए उसके बाद क्या बोल रहा है अरे सर स्लाइड डिलीट करो कौन सा स्लाइड डिलीट करना है कहना क्या चाह रहे हो विवेक जी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रहे हो वन पर्सन सीट लाइक मरून द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ एच टू द वन हु लाइक मरून इज द सेम एज फ्रॉम द राइट ऑफ एफ टू द वन हु लाइक कोरल एच के राइट right से मरून तक जितने भी लोग होंगे

E who sits on the same side along with the one who like peach. E who sits on the same side along with the one who like peach. तो so E जो है वो peach वाले के साथ एक ही side पर बैठा हुआ है तो बोल सकते हैं E और peach एक side पर होंगे G sits exactly between K and D. G जो है exactly K और D के बीच में बैठता है थोड़ा इधर नीचे कहीं पर लिखते हैं जी जो है एग्जैक्टली exactly के और डी के बीच में बैठता है डी हु नीदर लाइक कोरल नॉर्थ इट्स ऑन एनी ऑफ द लॉन्गर साइड यहां पर शॉर्टर लॉन्गर का अभी तो कोई मतलब नहीं बाद में देखेंगे तो डी ऑफ द लॉन्गर साइड ठीक है तो डी को कोरल नहीं पसंद है

Right like like चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं आई कोरल टील इससे स्टार्ट कर सकते एफ एच ठीक है देखिए ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों अगर मुझे पता है कि एफ और मरून जो है वो दोनों एक दूसरे के नेबर हैं और दोनों अलग अलग साइड में होने चाहिए तो देखो इस वाले साइड पे अगर मैं यहां पर एफ को रखता हूं तो मरून यहां पर हो जाएगा ठीक है अब देखो से से आपको पता है है एक छोड़कर लेना लेकिन मरून के बगल में नहीं होना चाहिए तो से से एक एक छोड़कर छोड़कर को को यहां यहां नहीं ले ले सकते पर लो अब देखो के राइट में मरून देखना है तो एच के राइट में दो छोड़कर मरून है तो एफ से दो छोड़कर कोरल होना चाहिए एफ से दो छोड़कर यहां हो गया कोरल कोरल की इमीडिएट लेफ्ट में आई है कोरल की इमीडिएट लेफ्ट में आई हो गया आई टील को फेस कर रहा है ये देखो ये जो है ये किसको फेस कर रहा है इसको फेस कर रहा है मतलब टील यहां पर आ जाएगा ये कंडीशन हो गई ये कंडीशन हो गई ये कंडीशन हो गई ये कंडीशन हो गई अब टील से तीन छोड़कर आपको ई चाहिए तो टील से तीन छोड़कर ई चाहिए तो टील से चाहे इधर काउंट करो चाहे लेफ्ट साइड काउंट करो एक दो तीन छोड़कर यहीं पर आएगा ई और कहीं नहीं आ सकता फिक्स है ये अब ई और पीच जो है ये दोनों सेम साइड पे हैं तो ये देखो ई जो है वो इस वाले साइड पर बैठा है अगर ई e इस वाले साइड पर है तो पीच भी इसी वाले साइड पर मतलब यहां पर होना चाहिए यह कंडीशन भी हो गई अब देखो ग्रीन के राइट में पिंक उसके सामने जी होना चाहिए ग्रीन के राइट में पिंक उसके सामने जी अगर मैं ग्रीन को यहां लेता हूं तो पिंक यहां पर हो जाएगा ग्रीन को यहां लूंगा तो पिंक यहां हो जाएगा पिंक के सामने जी मतलब जी यहां पर आएगा और देखते हैं अगर मैं ग्रीन को यहां लेता हूं तो पिंक यहां हो जाएगा पिंक के सामने जी यहां कोरल पे आ जाएगा ये दो चीजें पॉसिबल है ये के जी डी वाली कंडीशन को रखते हैं अब के जी डी को रखने के लिए ना मेरे पास एक जगह दिख रही है मुझे के जी डी पर डी जो है वो कोरल नहीं होना चाहिए तो यहां पर रख देते हैं के के से एक छोड़कर जी जी से एक छोड़कर डी ऐसा रख सकते हैं के जी डी को अब देखो जी के सामने पिंक है तो जी के सामने पिंक मतलब ये देखो इसके सामने आना चाहिए था पिंक क्या ये पॉसिबल दिख रहा है नहीं दिख रहा पॉसिबल नहीं दिख रहा पॉसिबल मतलब जी को यहां नहीं रख सकते डी को यहां नहीं रख सकते के को यहां नहीं रख सकते और कोई कंडीशन है के जी डी के लिए नहीं है मतलब पूरा कंडीशन हमारा गलत हो गया अब क्या करेंगे अब हम एक चीज को चेंज करेंगे क्या चेंज करेंगे बता रहा हूं ध्यान से देखना आपने एफ को यहां मरून को यहां लिया था ना एफ को यहां मरून को यहां लिया था ठीक अब ऐसा कर लेते हैं मरून को इस तरफ ले लो अब मरून को इस तरफ ले लो और यहां पर एफ को ले लो तो एफ से एक छोड़कर एच इधर हो जाएगा अब एच से देखो लेफ्ट में अगर दो छोड़कर मरून है तो एफ से लेफ्ट में दो छोड़कर यहां पर हो जाएगा कोरल यार मुझे ये गलत लग रहा है पिछला वाला सही था पिछला वाला सही था मैंने कुछ गड़बड़ कर दी चलो एक बार अब चेक कर लेता हूं अब चालू हो गया है तो सही था मुझे लग रहा है डाउट आ रहा है कि मैंने कुछ गलत चीज को चेक कर लिया खैर ठीक है अब इसको चेक कर लेते हैं पहले कोई दिक्कत नहीं है तो कोरल हो गया कोरल से आई हो जाएगा यहां पर आई के सामने टील तो यहां पर हो जाएगा टील उसके बाद ई और पीच दोनों टील से तीन छोड़कर ई टील से तीन छोड़कर ई ई और पीच दोनों सेम साइड पे तो पीच हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन पिंक के सामने जी ग्रीन पिंक के सामने जी अब जी जो है के और डी के बीच में है तो जी से दो छोड़कर के और डी में से कोई एक यहां आ सकता है जी से दो छोड़कर के और डी में से कोई एक यहां आ सकता है तो बचा हमारे पास जे जे के सामने ब्राउन नहीं होना चाहिए जे के सामने वैसे भी ब्राउन नहीं है डी कोरल नहीं है डी तो वैसे भी कोरल नहीं है शॉर्टर साइड पे कौन था मरून हूस इट्स ऑन द शॉर्टर साइड मरून जो है ये शॉर्टर साइड पे मतलब तो ये शॉर्टर साइड है तो ये भी शॉर्टर साइड है अब डी के लिए आपको क्या बोला था डी होनी इधर लाइक कोरल नॉट नॉर्ट एनी ऑफ द लॉन्गर साइड लॉन्गर साइड पे नहीं होता तो शॉर्टर साइड पे आएगा तो यहीं पर आएगा डी इधर हो जाएगा K यहां हो जाएगा हो तो गया दोस्तों अब बस दो नाम बचे हुए हैं जे के सामने ब्राउन नहीं होना चाहिए एक कलर और क्या बचा है हमारे पास इधर और आ रहा है क्या यार इसमें नहीं है इसमें तो तो वही वाला सही था फिर दोस्तों मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया मेरे को लग रहा है पिछला वाला ही सही था पिछला वाला सही था ना से बनाना पड़ेगा यार दिमाग खराब उफ चलो फिर से बनाते हैं भाई एफ मरून एफ से एक छोड़कर एच लेना था एफ से एक छोड़कर एच अगर हम लेते हैं मरून के बगल में नहीं होना चाहिए एच तो एफ से एक छोड़कर एच यहां पर आ जाएगा एच से दो छोड़कर मरून है तो एफ से दो छोड़कर कोरल हो जाएगा ठीक है कोरल के लेफ्ट में आई कोरल के लेफ्ट में आई हो गया आई के सामने टील आई के सामने टील यहां पर आ जाएगा टील से तीन छोड़कर ई टील से तीन छोड़कर ई यहां पर आ जाएगा और क्या बच गया ई और पीच दोनों साथ में होने चाहिए ई और पीच मतलब पीच यहां पर आ गया के जी डी बस अब रखना है यहां पर हमको बताओ भाई कैसे होगा सर आज मैराथन होगा ना और कौन सा मैराथन चाहिए भाई आपको कितने मैराथन कराओगे बताओ दोस्तों जल्दी से के जी डी को रखना है ध्यान से देखिए अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम हमारे पास एक जगह ये है एक एक छोड़कर फिर एक छोड़कर यहां ठीक है तो यहां से के, एक छोड़कर जी एक छोड़कर टी सॉरी डी ऐसा कर सकते हैं क्या तो बचेगा क्या हमारे पास एक जे बचेगा जे को रखेंगे यहां पर ग्रीन और पिंक रखना है जी के सामने पिंक होना चाहिए जी के सामने पिंक आना चाहिए गलत हो रहा है ना यार ये अरे यार ये डायरेक्ट इमीडिएट भी तो रख सकते हैं इसको देखो एक एक का गैप देकर अगर मैं नहीं रखता मैं ऐसा अगर रख दूं के जी डी ये तो सही हो जाएगा ना अब देखो जी को जो फेस कर रहा है तो जी को जो फेस कर रहा है ये पिंक हो जाएगा और पिंक जो है वो ग्रीन के इमीडिएट राइट में तो ग्रीन यहाँ हो जाएगा ये तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था इतनी देर से क्या यार छोटी छोटी, छोटी चीज़ें दिक्कत कर देती है एक और क्या बच गया भाई यहाँ पर एफ़ के लिए क्या बचा है आपको बोला है, जे के सामने ब्राउन नहीं होना चाहिए जे के सामने मतलब ब्राउन यहाँ नहीं आना चाहिए ब्राउन यहां आ जाएगा एक और जो बच गया उसको यहाँ रख दो हो गया कभी कभार ऐसी छोटी छोटी चीजें ना बड़ा मतलब दिमाग खराब कर देती हैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ फिर आप लोग भी होते हो ऐसा कभी कभार मस्टर्ड बचा है मस्टर्ड को यहाँ रख दो सॉल्व, फाइनली और बनाना है दोस्तों की खत्म करें मेरे हिसाब से तो खत्म करते हैं आज के लिए कल करेंगे क्लास कल दोपहर को रखेंगे बस करें कल करते हैं ठीक है अभी तो रेगुलर चलेगी क्लासेस आप ये मान के चलो मैं रेगुलर लूंगा अभी इसमें चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और बस और क्या मोर उड़ाओ अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो एल वन जीरो कोड है जो यहाँ इतनी देर से आप लोग देख रहे थे इससे आप लोग अन अकेडमी का फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं तो अनकेडमी ऐप डाउनलोड करके ये कोड यूज़ कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं मेरा एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है दोस्तों कुछ ही दिनों बाद और उस कोर्स में सेवेंटी फाइव से ज़्यादा क्लासेस हैं कंप्लीट कोर्स रहेगा ये आई वी पी एस और एस बी आई के लिए अभी से आपको ये करना पड़ेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं आई वी पी एस या एस बी आई की तो आप इस कोर्स को जरूर देखिएगा ये कोर्स खत्म होगा तो फिर आर आर बी के लिए कोर्स आ जाएगा और आप सारे कोर्सेज देख सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही क्लासेस मिलेंगी आपको सारी क्लासेस मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश सारे टीचर्स की क्लासेस आप देख सकते हो एक जगह पर और पुराने जितने कोर्सेज हैं आज तक चार पाँच सालों में हमने जो भी पढ़ाया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी पढ़ाई के लिए आपकी बैंकिंग तैयारी के लिए ठीक है फीस जो है दोस्तों अप्रोक्स आठ समथिंग कुछ है दो साल की अप्रोक्स आठ है डिस्काउंट के बाद ए आप कोड लगाओगे तो डिस्काउंट के बाद थोड़ा और कम हो जाएगा और दो साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो अगर ग्रेजुएशन में नहीं है ऑलरेडी एक दो महीना हो गया तैयारी करते हैं तो एक साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हालांकि दोनों में प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है हज़ार रुपये का फर्क है ठीक है चलिए ख़त्म करते हैं थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में